नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि इंडियन आर्मी की जो रैली भर्ती 2019 और 20 में जो होने जा रही है, नवंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी में जो रिक्रूटमेंटें होंगी और जो भर्ती होगी, उनके जो हम पूरी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी भर्ती होने जा रही है, कितनी वैकेंसी है और कब जो है वो भर्ती होगी और कहाँ पर ये भर्तियाँ होगी, जो भी हम बताएंगे इस वीडियो में, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे अक्टूबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी इंडियन आर्मी की तरफ से, उसकी हम हर जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलते हैं, जो अक्टूबर महीने में जो भर्ती होंगी, तो ये जो भर्ती होगी जोन 4 की अक्टूबर महीने में, तो इसमें जो है सबसे पहले जो ये जीडी की है 36 पोस्टें हैं, क्लर्क की 3 हैं और शेफ कम्युनिटी की 2 हैं, टोटल जो है 41 पोस्टें हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट होगी ये होगी 30 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2019 तक ये चलेंगी। और ये लोकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट जो है बेलगम, और जो है अगली जो है इसमें 63 पोस्टें हैं, जीडी की 58 हैं, क्लर्क की 1 है, शेफ कम्युनिटी की 1 है, वॉशरमैन की 1 है, स्टेवर्ड की 1 है एंड कारपेंटर की 1 है। तो ये भी 30 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक चलेगी भर्ती। तो ये भी होगी ड्योलाई में होगी, ड्योलाली। और जो तीसरे नंबर पर जो है जोन 4 की जो भर्ती है, ये जनरल ड्यूटी की इसमें जो पोस्टें रखी हैं 61 हैं, और क्लर्क की 2 हैं, शेफ कम्युनिटी की 3 हैं, वॉशरमैन की 1 है, हेयर ड्रेसर की 2 हैं, शेफ एसपीएल की 2 हैं एंड इक्विपमेंट रिपेयर की 1 है, 72 पोस्टें हैं। ये सिकंदराबाद में जो है ये रिक्रूटमेंट होगी, ये 30 से 9 नवंबर तक चलेगी। आगे चलते हैं हम, जो इकोलॉजिकल टीए यूनिट ओनली फॉर एक्स सर्विस मैन के लिए जो इन्होंने निकाली है, तो इनके लिए जो ये सबसे पहले जो हम चलते हैं, इसमें जो है 47 पोस्टें हैं इन्होंने बताई गई, और ये जनरल ड्यूटी की 35 हैं, क्लर्क की 2 हैं, ब्लैक स्मिथ की 2 हैं, टेलर की 1 है, हाउसकीपर की 1 है, कारपेंटर की 1 है, शेफ कम्युनिटी की 1 है, एसपीएल कुक की जो 1 है, मैस कुक की जो है 1 है, मैस वेटर की 1 है और मसालची 1 है। और इसकी जो भर्ती चलेगी ये चलेगी 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक चलेगी, और ये भर्ती होगी देहरादून में। और दूसरे नंबर पर जो है इसकी जो है टोटल 42 पोस्टें हैं इन्होंने बता रखा है, और जेसीओ की 1 है, रिलीजियस टीचर जेसीओ की 1 है, सोल्जर जनरल ड्यूटी की 28 है, क्लर्क की 1 है, इक्विपमेंट रिपेयर की 2 है, शेफ की 2 है, ब्लैक स्मिथ की 1 है, कारपेंटर की 1 है, एसपीएल कुक की 1 है, मैस कुक की 1 है, मैस वेटर की 1 है, मसालची की 1 है एंड टेलर की 1 है। तो इसकी जो भर्ती है 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक ये भर्ती चलेगी, पिथौरागढ़ में ये भर्ती होगी। और आगे जो तीसरे नंबर पर जो है इसमें है टोटल 27 पोस्टें हैं, और इसकी भर्ती जो है 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2019 तक चलेगी, कुफरी शिमला में ये भर्ती होगी, ये हिमाचल प्रदेश की भर्ती है एचपी की, ये कुफरी शिमला में होगी। और चौथे नंबर पर जो इन्होंने जो ये रखी है, इसकी 44 पोस्टें हैं और ये 20 से 22 नवंबर 2019 तक चलेंगी, और ये सोनीपुर असम में ये भर्ती होगी। और पाँचवें नंबर जो है ये शोल्डर जीडी 13, क्लर्क की 1 है, हाउस कीपर की 1 है, मेस कीपर की 1 है, टोटल 16 पोस्टें हैं, और ये 10 फरवरी 2020 को जो है ये रिक्रूटमेंट होगी, ये संभा JNK में होगी ये भर्ती। और इन्होंने आगे जो नोट बताया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डायरेक्टली रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली, रिक्रूटमेंट इन TA इज कैरिड आउट ओनली अ जोनल बेसिस। और जो आरिस रेक्ट जोन जो इन्होंने बताए हैं, जोन 1 में जो आते हैं द स्टेट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड द यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। जोन 2 में जो आते हैं स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। जोन 3 में जो आते हैं असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
और चौथे नंबर जो चौथे जोन पर जो आते हैं ये आते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक एंड द यूनियन टेरेटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। तो ये थी आज की अपडेट जो कि मैंने आपको बता दी, जो अक्टूबर 30 अक्टूबर से लेकर जो है 10 फरवरी 2020 तक जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो भर्ती होने जा रही है उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है कि कितनी पोस्टें हैं और कब भर्ती होगी और कहाँ पर ये भर्ती होगी, इसकी पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।